मैं धन्यवाद देता हूँ पार्टी के नेताओं को, प्रस्तावकों को और मैनपुरी की जनता को। मुझे उम्मीद है यहाँ पर अच्छे मतों से और ऐतिहासिक परिणाम यहाँ की जनता देगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव हो रहा है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। सर, कैंपेन का दौर यहाँ के लिए आपकी सीट के लिए कब से, क्योंकि आप विधानसभा में ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है, जीतने के बाद जरूर आइए। अखिलेश जी, एक बड़ा सवाल था, आप चाहते तो विधान परिषद से भी जा सकते थे, लेकिन क्यों आपने चुना कि हम सीधे विधानसभा के ही माध्यम से जाएंगे? मैं बाबा मुख्यमंत्री से पहले चुनाव लड़कर के आगे बढ़ना चाहता था। सर, एक सवाल और है, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप थे, उसके बाद जयंत चौधरी को बुलाने की कोशिश करी गई, अब आज धर्मेंद्र प्रधान का कहना ये जयंत चौधरी बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि उनके पिताजी भी किस दल के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होगी, आज उनके पास जवाब नहीं है। और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन या नई पेंशन में फ़र्क क्या है। लेकिन जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि पुरानी पेंशन पुनः उत्तर प्रदेश में बहाल होगी। साथ ही साथ बिजली, भारतीय जनता पार्टी ने एक यूनिट नहीं बनाई, हालांकि उत्तर प्रदेश में दो बार सरकार यहाँ की जनता ने बनाई, लेकिन न बिजली का कोटा बढ़ा और न ही बिजली का उत्पादन उन्होंने बढ़ाया। जो आज उत्तर प्रदेश में लोगों को बिजली मिल भी रही है, वो समाजवादी सरकार की ही बनवाई हुई मिल रही है। इन्होंने केवल एक काम किया है, बिल ज़्यादा दिया है। लोगों के घर में जब बिल आ रहा है तो उन्हें करंट लग रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट तक घरेलू बिजली माफ होगी और पहले की तरह किसानों की सिंचाई मुफ्त की जाएगी।